हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे ब्रांड ब्लॉग में। दिखाई आ चुका है फिर से हमारा ब्रांड ब्लॉग लेकर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दूध देने, और हमारे गांव के भाई लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ। और कल रात भयंकर बारिश, इसीलिए गीला गीला हर जगह गीला गीला बारिश ऐसा हो रहा है कि क्या समझ नहीं आ रहा है। बारिश का सुबह सुबह सही चल रहा था, रात को बारिश आ रही है, रात को सही चल रहा था, दिन में बारिश आ रही है, दिन में सही चल रहा है, तो रात दोनों सुबह रात दोनों बारिश आ रही है। और ऐसे ही चल रहा है मौसम का अटपटांग महोत्सव। तो इस बारिश ने बेमौसम बारिश ने पूरे खेतों की ऐसी की तैसी कर दी है, यानी खेत खलिहान पूरे का बुरा हाल कर दिया है। गेहूं जो हो गए थे वो भी ख़राब हो चुके हैं, ऐसे ही हो रहा है। और हमारा गेहूं सब कुछ जो हो रहा था वो सब ने लमा लेत कर दिया है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ अपनी ड्यूटी पे, और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे गांव के तीन बड़े भाई लोग। और बारिश की वजह से गधेरों में पानी, ये देखो, और हम गधेरा पार कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये देखो पानी जा बह रहा है सड़क में से ऐसे। ये देखिए हमारे खेत हुए गेहूं, और बारिश इसमें मार दे रही है अच्छे से। और इधर देखिए, ये देखिए इनके खेतों का हाल जो सुनने करते हैं बेहाल। और ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके पास, ये देखिए खेत खलिहान कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे गेहूं इतने फैले हुए, ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इनके बीच में से इस रास्ते में जा रहे हैं हम आपके साथ, है ना गाइस। तो ये देखिए खेत खलिहान, चारों तरफ खेत खलिहान, और सामने बारिश होने के बाद बादल, जो बादल निकलते हैं ना जमीन से ऊपर को, वो देखिए। तो दोस्तों सुबह 10 बजे से भयंकर बारिश स्टार्ट हुई। मैंने पहले ही बोला था बारिश आने वाली है, मौसम ऐसे होगा था। और उसके बाद ऐसी बारिश, तेज़ बारिश नहीं आई, सिंपल बारिश आई, सिंपल बारिश, और अभी तक रही। अभी बज चुके हैं पाँच बज चुके हैं, और अभी थोड़ा सा शांति हो रखी है मौसम में, इसलिए हम आ चुके हैं अपने मित्र गणों के साथ घूमने। एक टाइम आता है ना ऐसा दिन भर में जब आप अपने मित्र गणों के साथ जाते हैं घूमने और टेंशन मुक्त हो जाते हैं, पर वी आर नॉट सेम ब्रो, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं दिख रहा, इधर भी कोई नहीं दिख रहा, इधर भी कोई नहीं दिख रहा, वी आर नॉट सेम ब्रो। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने मनखेत में, और मौसम अभी भी थोड़ा हल्का हल्का बारिश छींटे दे रहा है बारिश के। और पर सुबह से मौसम है पूरा बारिश नुमा, कल रात बारिश, सुबह बारिश, दिन में बारिश, अभी बारिश, बारिश ही बारिश। और आपको दिखाएं बारिश ने हमारे रोड के हाल ऐसे कर दिया, क्या बताएं। ये देखो मेन बुलेटिन में आएंगे हम, ये देखिए गड्ढे देखिए, ये देखिए रोड, देखिए रोड, और रोड में अंतर देखिए, ऐसे गाढ़ गधेरे आ चुके हैं ऐसे में हमारे रोड में, क्योंकि बारिश इतनी महंगी हो जा रही है, एक तरफा बारिश हो जा रही है कि उसका कोई नाप ना तोल ना जान ना पहचान, हम तेरे मेहमान वाली बारिश है। और ऐसी आ रही है, क्या होता है, ऐसी चल रहा है। आज सुबह से पूरा ठंड के साथ बिताया, दिन धूप का नाम नहीं देखा हमने, नाम क्या धूप ही नहीं देखी है, सूरज भगवान हमने देवता देखे ही नहीं अभी तक। और ऐसे ही मौसम हो गया, देखिए दिखता है अभी, वरना सूरज भगवान वहाँ पर होते, वहाँ पर भी नहीं है, ऐसे ही हो गया मौसम पूरा। बहुत ही ठंड है भाई साहब, बहुत ही ठंड, गर्मी आ गई थी उसके बाद जो ये ठंड आई है ना, जैकेट निकालने में मजबूर कर दिया यार, मजबूर। ये भी गलत बात है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। दोस्तों एक ऐसा आपके पास चीज़ रहती है जो बचपन से आपके पास रहती है, जैसे कई चीज़ें, कभी कपड़ा होता है, कभी कुछ होता है, है ना। तो ऐसा लगा कि आवाज़ आती है, पर आवाज़ कोई पता नहीं कौन है। तो ऐसी आवाज़ आती है ना, अभी गलत हो गया। तो दोस्तों तू तो गया बेटे। तो दोस्तों डिस्टर्बेंस हो गया बहुत, पता नहीं ऐसे आवाज़ आ रही थी, पता नहीं क्या चिल्ला रहा था पीछे से। और
तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ रहती है ना आपके पास बचपन से रहती है, यानी बचपन से आपने आपके पास कोई कपड़ा होगा, कोई कुछ चीज़ होगी जो जैसे अभी तक आपके साथ है, वैसी मेरे साथ बचपन से है याली टोपी, याली रंग की टोपी, पीले रंग की टोपी। क्योंकि टोपी इसे हमने यूज़ किया था स्कूल जाते समय, स्कूल का टाइम जब स्कूल जाते थे बचपन में, एक दो तीन तीन या चार में है ना, तीन या चार में हम स्कूल जाते थे, तो तब से ये स्कूल में मिली थी हमें ये टोपी, और तब से ये मेरे सर में ऐसी जमी के उतरने का नाम नहीं लिया इसने, मतलब उतरना उतरी तो बहुत कई बार, पर ऐसा ही है कि फेंकना है ना, मतलब इसे अब ये काम की नहीं है, छोड़ो फेंक दो, ऐसी चीज़ नहीं। ये ऐसी टोपी मेरी ऐसे फिट बैठ गई, कितनी भी टोपी पहन लूँ सर इसमें आती है मुझे, ये बात है सर इसी में आती है, पता नहीं क्यों आती है, कितनी टोपी पहन लो टोपी वो उतार के फेंक देता हूँ, पर ये इसमें सर आती है। ये देखो ये सुबह से मैंने ऐसी ही पहनी है, ऐसी ही पहनी है, और जैकेट पहनी हुई है, ठंड हो रही है क्योंकि बहुत, और यहाँ कहाँ पहुँचे हम, ये देखिए कितना भयंकर इलाका, भयंकर इलाका सॉरी नहीं, कितना सुहाना इलाका, कितना सुहाना मौसम के साथ हम आए हुए हैं, और बादल देखे ऊपर, और हल्के हल्के छींटे भी पड़ रहे हैं बारिश बारिश के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग, तो दोस्तों स्वागत है दूसरे दिन में, और दूसरे दिन धूप आ चुकी है, यानी बारिश का दिन गया और धूप का दिन आ चुका है, सामने आप देख सकते हैं धूप आ चुकी है, हमारे सूर्य देवता हमें दिखाई दे देख चुके हैं दो दिन बाद आखिरकार, और अभी देख सकते हैं आप कितना सुंदर मौसम हो रखा है, बारिश नहीं है धूप है, धूप के साथ बादल दिख रहे हैं आपको, मौसम ऊपर आसमान पूरा साफ, और अभी हम आ रखे हैं घूमने के लिए, घूमने तो नहीं रखे ग्वालियर रखे हैं, और आप देख सकते हैं, और हमें आप देख सकते हैं थोड़ा खुशी की बात है कि धूप आ चुकी है, क्योंकि बारिश ने इतना दिमाग ख़राब कर रहे थे क्या बताएं, अब थोड़ा धूप आ चुकी है, और ठंड तो वो नहीं है, ठंड नहीं कम हुई है, ठंड कम नहीं हुई है, ठंड उतनी ही है, पर धूप आ चुकी है ये अच्छी बात है। शायद सुबह सुबह रोड में हमारी गाड़ी आ रखी है, और गाड़ी कि कैसे हालात हुए होंगे ये टायरों के नज़ारे देख के समझ गए हैं, पूरा कीचड़ होगा यहाँ पर, और टायर पूरे कितने गहरे गहरे चले गए हैं आप देख सकते हैं, कितनी मुश्किल हुई होगी गाड़ी को यहाँ से पार जाने में और आने में, ये देखिए कितनी मुश्किल, ये देखिए कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ, कीचड़ ही कीचड़, ये देखिए